अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे अंडा दम बिरयानी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही मजेदार होता है। तो चलिए इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चावल तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे पानी उबलने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम कुछ खड़े गर्म मसाले डाल देंगे। 2 इलायची, 2 तेज पत्ता, 4 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का, सहजीरा, फिर नमक ऐड कर देंगे, 2 हरी मिर्च डाल देंगे, नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का रस डालने से चावल खिले खिले बनते हैं और चावल टूटते नहीं हैं। अब इसमें हम चावल डाल देंगे। चावल को मैंने आधा घंटा पहले ही धोकर के रख दिया था। अब चावल को हम 8 से 10 मिनट के लिए उबाल लेंगे, या जब तक चावल 90% कुक नहीं हो जाते हैं। तो चावल 90% कुक हो चुका है, अब इसे हम ड्रेन कर लेंगे। अब दूसरी तरफ एक बर्तन में हम आधा कप तेल डाल देंगे। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। मैंने 3 मीडियम प्याज लिया था, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया। अब इसे हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसे हम निकाल देंगे और इस प्याज को हम हाथों से क्रश कर लेंगे। आप चाहे तो मिक्सी में पीस भी सकते हैं इसे। अब इसमें से हम थोड़ा सा तेल निकाल देंगे और सेम ऑयल में हम 2 तेज पत्ता डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 5 उबले हुए अंडे लिए हैं। इन अंडों को हम फॉर्क या किसी नाइफ से प्रिक कर लेंगे, ताकि जब हम तेल में डालें तो अंडे फटे नहीं। अगर आप प्रिक नहीं करेंगे तो जब आप अंडों को तेल में डालेंगे तो वो फटने लगेंगे। अब अंडों को हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम आलू डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 2 आलू लिया है, उसको मैंने कट कर लिया। अब इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए अंडे के साथ फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और 1 मिनट के लिए इसे भी हम भून लेंगे। अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और सबको हम मिला लेंगे। अब इसमें हम टमाटर प्यूरी डाल देंगे। मैंने 2 टमाटर को ग्रेट कर लिया था, आप चाहे तो टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं इसमें। अब सबको हम अच्छे से मिला लेंगे और ढक करके हम 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद इसे हम एक बार और चला लेंगे। अब इसमें हम क्रश किया हुआ प्याज डाल देंगे और सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम आधा कप दही डाल देंगे और सबको एक बार हम अच्छे से मिला लेंगे और इसे ढक करके हम 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब चाहे तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। ढक्कन हटाकर एक बार और इसे हम चला लेंगे। अब इसमें हम बिरयानी मसाला डाल देंगे और कटे हुए धनिया पत्ती डाल देंगे। सबको हम मिक्स कर लेंगे एक बार। अब इसके ऊपर हम पके हुए चावल डाल देंगे, इसको अच्छे से फैला लेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसके ऊपर हम केसरी कलर डाल देंगे। कलर यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना डालें। तला हुआ प्याज डाल देंगे, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डाल देंगे और कुछ कटे हुए हरी मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा घी डाल देंगे इसके ऊपर। अब ढक्कन ढक करके 2 से 3 मिनट तक इसे हम तेज आंच पे रखेंगे, फिर आंच को धीमी कर देंगे और 10 से 15 मिनट तक इसे हम दम पे रखेंगे। तो 10 से 15 मिनट हो चुका है, तो चलिए हम अपना बिरयानी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी मजेदार अंडा दम बिरयानी तैयार है। एक बार इसे हम हल्के हल्के हाथ से मिला लेंगे। अब इसे हम एक सर्विंग ट्रे में निकाल लेंगे।
आप इस अंडा दम बिरयानी को सलाद के साथ रायते के साथ एंजॉय कीजिए। तो आई होप आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे कुछ और अच्छी सी रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।